कर्नाटक के बागलकोट के जनप्रिय शासक श्रीमान वीरण चरंजमन जी विश्वाराध्यं जगद्गुरुं श्री विश्वाराध्याय मंगलं शिव विश्वैकपालाय मंगलं विश्वेश जाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववंद्याय मंगलं शिव विश्वैकपालाय मंगलं चरवृंद वंद्याय भगवान आपने जी महाराज उनको बगल में कर उज्जैन वाले हैं आप आ जाए
श्रवण करें। नमस्कार शिवाय ओम सहनावतो सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तुमाविद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः। सब लोग जोर से भक्ति से जयकार कीजिए। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की, अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की, हर 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 हर। इस कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश के मंत्री जी भी आए हुए हैं, श्रीमान रविंद्र जायसवाल जी, वाराणसी के बड़े जनप्रिय एमएलए हैं, और आपके साथ साथ सौरभ श्रीवास्तव जी जो वाराणसी कैंट के एमएलए हैं, अब भी आए हैं। आप सबको इस मंच पर पवित्र स्थान पर स्वागत है। इसी के साथ मैं आप सबसे मंजा सिंह सबसे निवेदन करूंगा कि प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम में शुभारंभ करें। सबसे पहले निवेदन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी काशी जंगमवाड़ी भेंट के मठाधीश डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी और बंधु और कोटे तमसो मा ज्योति
विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे हैं, आपको भी काशी जंगम बाड़ी मठ के इस प्रांगण में और इस कार्यक्रम में आप सबके तरफ से स्वागत है। इसी के साथ साथ मैं सोलापुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और डॉक्टर चंद्रशेखर सॉरी डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आप आज के जो विश्व वीर शैव महासम्मेलन जो हो रहा है इसका प्रास्ताविक भाषण आप करेंगे। और आप सबके जानकारी के लिए मैं बता दूं, श्री डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी भी काशी विश्वविद्यालय से अपने पढ़ाई किए हैं, उसके साथ डॉक्टरेट भी किए, पीएचडी की उपाधि उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से किए। और सोलापुर में अभी महंत जी भी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो हम सबके लिए गौरव की विषय है और गर्व की विषय है। इसी के साथ मैं डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी को निवेदन करूंगा कि आप प्रास्ताविक भाषण करने की कृपा करें। सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। अमृताथ प्रपन्नानां व्यासरीत्या प्रदायिनी अहर्निशम् अहं वन्दे तामीशानां मनोरमा। आराध्य सद्गुरु के चरणों में विनम्र अभिवादन करते हैं। अन्नपूर्णेश्वरी सहित विश्वनाथ बाबा जी के एवं काल भैरव तथा स्थानाधिपति श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य राज्य स्वामी को भी अनंतानंत प्रणाम करते हुए आज इस जंगमवाड़ी मठ में ऐतिहासिक सभा संपन्न होने जा रही है। वह है विश्व वीर शैव धर्म महासम्मेलन। इस विश्व वीर शैव धर्म महासम्मेलन में इस सम्मेलन का जिन्होंने सानिध्य स्वीकारा ऐसे श्रीमद उज्जयी सद्धर्म सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 जगद्गुरु सिद्धलिंग राजदेशिकेन्द्र शिवाचार्य महास्वामी जी के चरणों में तथा श्री शैव सूर्य सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 जगद्गुरु श्री चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी के चरणों में तथा काशी पीठ के 86वें जगद्गुरु विद्यावाचस्पति विद्यावारिधि श्री 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 1008 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के चरणों में एवं आज जिनका पट्टाभिषेक हुआ 27वें जगद्गुरु जी के रूप में जो जगद्गुरु पद ग्रहण किए ऐसे नूतन जगद्गुरु श्री 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 1008 जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी के चरणों में भी नमन करते हुए आज बहुत ही आनंद का उत्सव है, बहुत ही संभ्रम का दिन है। हमारे बीच एक बाबा विराजमान है, जंगम बाबा के दरबार में आज आपका शुभागमन हुआ है। जंगम बाबा मठ जो है बहुत ही पुराना है, आप जानते हैं बाबा जी। इसी बाबा जी के नगरी में बाबा जी के मठ में आप आज उपस्थित हैं इस उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। सभी वीर शैव लिंगायत समाज की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। इस सभा में उपस्थित कई अन्य आपके साथ आए हुए
मंत्री पद भी है। माननीय श्री दयाशंकर मिश्रा जी, माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय श्री डॉक्टर अवधेश सिंह जी तथा इस सभा में उपस्थित बागलकोट के विधायक हिरण्णा चरणतिमर जी, सोलापुर के पूर्व विधायक माननीय श्री विश्वनाथ चतुर्थी जी, वाराणसी के मेयर मृदुला जयसवाल दीदी जी, एक्स एमपी मंजुनाथ कुन्नूर जी, सभा में उपस्थित सभी मूर्धन्य मान्यवर, इस पट्टाभिषेक में सम्मिलित हुए सभी मेरे गुरु बंधु पत्रकार छायाचित्रकार सुदूर से आए हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, राजस्थान एवं बंगाल इतर राज्यों से आए हुए सभी सुजन व सज्जन, देवियों, नवतरणों, आपके सभी के मनोमंदिर में वास किया हुआ उस परमात्मा को मेरा नमस्कार स्वीकार। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नटी सुन नायक, ताल में भंग न पाए। आप शांति बनाए रखेंगे मुझे पूरा विश्वास है, बिल्कुल शांति से आप रहेंगे मुझे पूरा विश्वास है। जब तक योगी बाबा कुछ न बोल पाएंगे तब तक आप जो है निश्चित ही शांति बनाए रखेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाबा जी, जैसे मैंने कहा कि आज विश्व वीर सेवा धर्म सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ, वीर शैव लिंगायत समाज कर्नाटक में तो बहुत ही है, उसके पश्चात महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र में ये प्राप्त होता है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर रहता है। बशर्ते इस सम्मेलन में बाबा श्री जी केवल भारत से भी आए हुए हमारे भक्त नहीं है, इस विश्व सम्मेलन में नेपाल से, बंगाल से, श्रीलंका से, रशिया से, अन्यत्र देशों से भी इस सम्मेलन में हमारे एक वीर शैव समाज उपस्थित हुआ है और आपके सम्मुख आपको देख करके ये गदगदित हो रहे हैं, ये प्रसन्नता है। अनेक सिद्धांत है, जैसे आप जानते हैं जैन सिद्धांत है, बौद्ध सिद्धांत है, सांख्य सिद्धांत है, योग सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत है, वैशेषिक सिद्धांत है, शंकर का अद्वैत सिद्धांत, इसी के साथ ही साथ बाबा श्री वीर शैव सिद्धांत भी है, वह शक्ति विशेषता के सिद्धांत में इसका अर्थ इतना ही है, यह अद्वैत सिद्धांत ही है, बशर्ते शक्ति की उपासना भी इसमें की जाती है, इसलिए इसको शक्ति विशेषता अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत जितने भी अभी मैंने बताया है इन सभी भारतीय सिद्धांतों को न तर्क से न कि किसी विधान से कभी जो है खंडन नहीं किया। एक सिद्धांत प्रतिपादन करते करने से पहले पहले की सिद्धांत को खंडन कर उसके बाद अपना सिद्धांत मंडन जो है करती हुई सभी सिद्धांत आ रहे हैं। बशर्ते वीर शैव सिद्धांत किसी सिद्धांत का खंडन नहीं किया, बशर्ते अपना सिद्धांत तो मंडन किया है, इसीलिए विरोध रहितम शैवम वीर शैवम विदुर्बुधः। सभी बुद्धिमान जितने भी विश्लेषक हैं, जितने भी विद्वान हैं, उनका यह मत है कि कहीं भी वीर शैव सिद्धांत किसी सिद्धांत का उन्होंने उल्लंघन भी नहीं किया और खंडन भी नहीं किया। वीर शैव शब्द का बहुत ही सुंदर रीति से विश्लेषण है, धार्मिक रीति से भी है, दार्शनिक निर्वचन भी किया गया है। मैं आपके संज्ञान में एक शब्द के यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं, विशब्दे नोचते विद्या शिव जीवैक्य बोधिका
तस्याम रमन्ते ए शैवा वीर शैवा सुदेवता। इसका अर्थ इतना ही है, विशक्ते नोचते विद्या, वी शब्द का अर्थ इतना ही कहा गया है कि विद्या। कौन सी विद्या? शिव जीव ऐक्य बोधि का, शिव और जीव का ऐक्य बोधन करने वाली जीव जो विद्या है, इसमें रममाण जो होता है, अब देखिएगा यहां पर आपके सेकंड में लाना चाहता हूं, इसमें जो रममाण होने वाला है वो भारतीय भी हो सकता है, पाश्चात्य भी हो सकता है। जैसे कि जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्व जी के शिष्य रशिया में भी है, इनसे अनुकृत हो गए हैं, इसी का अर्थ होता है कि विद्या में रममाण होने वाले शिवजीव के बोधन करने वाली जी विद्या जो विद्या है, इसमें रममाण करने वाला जो भी भक्त इसका अनुपान करेगा उसको वीर शैव वीर शैव वीर शैव इस तरह कहा जाएगा। इतना व्यापक जो है ये सिद्धांत है, इसी सिद्धांत का निरूपण श्री जगतगुरु रेणुकाचार्य अगस्त्य महर्षि को सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के रूप में यह है। मैं आपके संज्ञान में और एक बात लाना चाहता हूं सर, अगस्त्य महर्षि, कल मैंने बताया था, कल यहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का शुभागमन हुआ था, कल देवेंद्र जी आए थे, आज इस सभा में योगेंद्र जी को उपस्थित, अच्छा लगा। तो देखिएगा, कल मैंने कहा था कि जितने भी सिद्धांत है प्रस्तुत इस वर्ग में, उसमें श्रेष्ठ यदि सिद्धांत है तो शक्ति विशिष्टा सिद्धांत प्रतिपादन करने वाली पवित्र ग्रंथ सिद्धांत शिखामणि है। इस सिद्धांत शिखामणि का उपदेश जगत गुरु रेणुकाचार्य जी अगस्त्य महर्षि किए थे, कल मैंने बताया था। अगस्त्य महर्षि कैसे रहे? समस्त आगम पारंग, समस्त आगम पारंग तथे अगस्त्य महर्षि, इतना नहीं सप्त समुद्र को आह्वान करते हुए एक बिंदु को अपने हथेली पे लेकर के उसका प्राशन किए थे, इस तरह के अगस्त्य महर्षि रहे। बाबा श्री जी सप्त समुद्र पान करने वाले अगस्त्य महर्षि को आचार्य जगत गुरु रेणुकाचार्य जी उपदेश किए थे, उसी उपदेश का साधन 1919 भाषाओं में, उर्दू हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, रशियन हो, हिंदी हो, अन्यान्य भाषाओं में 19 भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि सप्त समुद्र तो अगस्त्य पान किए होते, बशर्ते हमारे जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी यह ग्रंथ यह सिद्धांत सप्त समुद्र पार करके उस पाश्चात्य देश को भी पिलाया, यह अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठ कार्य कहा जाता है। ऐसे जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पाद जी इच्छा प्रकट की कि अब मैं किसी को यह गादी सौंप दूं और पूरा मेरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए, अन्य अन्य राज्यों के लिए, सभी धर्मों के लिए जिस तरह मैं करते आया हूं उससे ज्यादा दुगना कार्य साहित्य में करने की अपेक्षा रखते हुए वह आज अपने उत्तराधिकारी के रूप में श्री 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 1008 जगत गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी को सौंप कर आज आपके सामने उनका पट्टाभिषेक भी किया और गादी आरूढ़ भी हुआ, आंदोलन उत्सव भी हुआ आज आपके सम्मुख डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी के दर्शन भी आप पा रहे हैं, सब गदगद हैं, सब धन्य हैं। बस महास्वामी जी के सभी गुरुजियों के चरणों में विनम्र अभिवादन करते हुए जिस कार्य को मुझे सौंपा गया था उसका पूरा करते करते बस दो चार एक शायद मैं समझता हूँ इसके पश्चात
जगत गुरु महास्वामी जी का आशीर्वचन होगा, उसके पश्चात बाबा योगीनाथ जी बोलेंगे, तब तक आप शांति बनाए रखेंगे। इतना ही आपको निवेदन करते हुए यही मैं विराम लेना चाहूँगा। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने इच्छा प्रकट की है, तो हमारे श्री काशी जगदम्बाड़ी मठ के नवनियुक्त जो जगत गुरु जी है देके सम्मान करने का इच्छा प्रकट की है, तो मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी को अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान करें। श्रीमद काशी ज्ञान सिंह महासनाधीश्वर श्री श्री 1000 डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक छोटा सा परिवर्तन है कार्यक्रम में। यहाँ से बहुत दूर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से एक चन्न योगींद्र स्वामी जी आए हुए हैं। बाल स्वामी जी है, प्रकांड विद्वान है, उनके विद्वत्ता का परिचय उनके भाषण से होगा, तो मैं निवेदन करूंगा सोलापुर रोड के मठ को ये प्रतिनिधित्व करते हैं चन्न योगींद्र स्वामी जी, बाल स्वामी जी आप आइए और इनको 2-3 मिनट में अंग्रेजी में ये अपना वक्तव्य देने के प्रयास करेंगे। तेजोमयम् तपोनितिम् श्री योगी राजेंद्र शिवाचार्य नमामि ओडिगेश्वरम्। First of the blowings of the auspicious spirit of Kashipita Jagatguru Shri Shri 1008 Dr. Chandrasekhar Shivacharya Mahaswamiji, also blowing of the auspicious of Pita of Dr. Dharmaratan Mallikarjuna Shivacharya Mahaswamiji, I express my call to all Shivacharya and chieflings to all divine. I who present the golden ceremony to today I am very glad to golden opportunity to a part of the division function. I am sure to present to scale. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये कार्यक्रम पिछले 40 दिन से चल रहा है, आज 41वां दिन है। इस 40 दिन में एक से एक बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े विद्वान लोग आए और अपना यहाँ आशीर्वचन दिए, अपना ज्ञान का प्रदर्शन किए और अपने कला का प्रदर्शन किए। राज्य के हर राज्य से यहाँ पर प्रतिनिधित्व था। इसी में कुछ इम्पोर्टेंट नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। श्रीमान शिवराज पाटिल जी, श्री
बाबा साहेब कल्याणी जी, शायद आप लोगों ने देखा होगा, अभी यहाँ से जब निकलने के बाद मोदी जी जब जर्मनी चले गए थे, यूरोप यात्रा में चले गए थे, उनके साथ साथ बाबा कल्याणी जी भी थे, अभी हम लोगों को फोटो प्राप्त हो रहा है। ऐसे व्यक्ति हमारे समाज से है और इस मठ में आए और इस मठ को अपना योगदान दिए। इसी तरह जगदीश हिरेमठ जी पुणे से, सुनील रफानी जी पुणे से और अनिल गावड़े जी पुणे से, कई ऐसे महान व्यक्तित्व इसमें आए हैं और आते रहेंगे। ये तो कंटिन्यूस प्रक्रिया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, श्रीमद् काशी ज्ञान सिंह महासनाधीश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी से अपने आशीर्वचन से हम सब लोगों को लाभान्वित करें। विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववंद्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी के सुप्रसिद्ध इस जगंबाड़ी महामठ में नूतन पट्टाभिषेक महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विश्व वीरशैव महासम्मेलन का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किए हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश करने का संकल्प किए हुए सम्मान्य श्री योगी आदित्यनाथ जी, इस सभा में उपस्थित उज्जैनी श्रीशैल जगद्गुरु महास्वामी जीओं को अनंत प्रणिपात करते हुए हमारे काशीपीठ के नूतन जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य महास्वामी जी को भी अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए उपस्थित समस्त शिवाचार्य गण, सभी राजकीय मान्यवर, सभी प्रदेशों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, समय बहुत कम होने के कारण सभी का नाम लेना मुश्किल था, इसलिए हमने सबका नाम संकेत में लिया है। आज हमारे लिए एक अत्यंत गौरव का विषय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काशी जंगमवाड़ी मठ में अभी चौथी बार पधार रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, एक गोरखनाथ के पीठाधिपति होते हुए एक बहुत बड़ा समाज का जिम्मेवारी लेकर के हमारे देश में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उसको अच्छे ढंग से उसको व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे ख्याल से कोरोना के प्रकोप में उनके अस्वस्थ पिताजी जब उनका देहावसान हुआ था, उस समय लोगों की सेवा छोड़ करके पिताजी के अंत विधि में भी योगी जी नहीं गए। उसके बाद 5 साल के बाद अपने माता जी का दर्शन करने गए थे। ऐसे संसार से विमोहित जो भी व्यक्ति होगा वही राजकीय क्षेत्र में अच्छे समाज की सेवा कर सकता है। इसलिए महाराज जी का दोबारा मुख्यमंत्री होने के बाद हम अपने एक अभिनंदन वचन में कहा गया था, केंद्र में तो योगी मोदी जी है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे योगी है ऐसे प्रत्येक प्रदेश में योगी होगा तभी हमारा देश का उद्धार होगा, ऐसा अपना अभिप्राय व्यक्त किया था। अभी योगी आदित्यनाथ के बारे में आप सब लोग, पूरे भारत के लोग जानते हैं, देश की रक्षा के लिए उनका जो धैर्य है हम तो बहुत आश्चर्य करते हैं, साधु वेश में रहते हुए भी इतना धैर्य से सबके सब समस्याओं को निभाते आए हैं, और भविष्य में भारत देश का जितना भी साधु समाज है सब हम आपके साथ हैं, आप जो भी देश के हित के लिए निर्णय लेंगे
उसमें हमारा सब लोगों का भरसक आपके पीछे हम लोग खड़े रहेंगे और आपके साथ साथ हम आगे भी जा सकते हैं। इसलिए आज आप अत्यंत व्यस्त होते हुए भी हमारे सम्मेलन में भाग लिया, उसका उद्घाटन किया। इसलिए काशी विश्वनाथ से, माता अन्नपूर्णा से, जगतगुरु विश्वाराध्य से प्रार्थना करेंगे, भगवान आपको पूर्ण स्वस्थ रखे और लंबी आयु दे करके आप देश के प्रधानमंत्री तक का पहुंचे, ऐसे हम भावना करते हैं। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। श्री काशी जगतगुरु जी ने आप सबके मन की बात बोल दिया कि आने वाले दिनों में श्रीमान योगी महाराज जी देश के कमान संभालेंगे और इस देश के प्रधानमंत्री के पद तक जाएंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे। इसी आशय के साठ श्री काशी जंगमबाड़ी मठ के तरफ से और आप सबके तरफ से महाराज जी का अभिनंदन होगा। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा मंचासीन सारे विभूतियों को, श्रीमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी महाराज जी का सम्मान मठ के तरफ से। ये एक सप्रेम भेंट है, सप्रेम निवेदन है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा विनोद राव पाठक जी से, क्योंकि आज महाराज जी को, योगी जी महाराज जी को एक प्रशस्ति भी मठ की तरफ से मिलने वाला है। उस प्रशस्ति का जो पाठ है तो विनोद राव पाठक जी यहाँ पर आएंगे और उसका पठन करेंगे, उसके बाद योगी जी महाराज को उसको प्रदान किया जाएगा। श्रीमद् जगद्गुरु विश्वाराध्य को विजयते करा परम सम्मान भाजा सनातन संस्कृति करिको अखिल भूमंडले विश्व विश्रुत तपोमूर्तिनां ज्ञान विज्ञान नदीशनानां सूक्ष्माति सूक्ष्म शासन प्रशासन नदीशन नक्तं दिवं राष्ट्रोपासना बद्ध परिकराणां दीनार्थ जन दुख निवारण दत्त चित्तानां अराजक विध्वंसक तत्वोन्मूलन बद्ध परिकराणाम परमेष्टि परम गुरु गुरु परंपरा प्राप्त श्री गोरखनाथ सिद्ध पीठाधिपति नाम श्री 1008 आदित्य योगी नाम योगींद्राणाम जगत गुरु 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी नाम सच्छिष्याणाम जगत गुरु 1008 डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी नाम सप्ताशीतितमानाम पट्टाभिषेकावसरे हार्दिकं शुभाभिनंदनम्। मान्य मान्याः काश्यां श्रीमद् जगद्गुरु विश्वाराध्य संस्थापिते ज्ञान सिंहासन पीठ परिसरे श्रीमतां समेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामः। को नाम न जानाति गोरक्षनाथ पीठ परंपरां यस्मिन् एकैकोत्तर पीठाधीश्वराः भारतीय सभ्यता संस्कृति प्रतिष्ठापकाः आविर्बभूवु तेषु मत्स्येन्द्रनाथ गोरक्षनाथ भर्तृहरिसदृशाः महापुरुषाः सद्धार्मिकान् भारतीयान् धर्मविप्लवात् परित्रातुं शस्त्राण्यपि धारयामासु। महामहिमशीलानां हिन्दू महासभाध्यक्षाणां संसत्सदस्यानां स्वयंगतानां श्रीमद् दिग्विजयनाथ योगीन्द्राणां सनातन हिन्दू धर्म प्रतिष्ठापनैक पुरतानां अविच्छिन्नां धारां प्रवाहयन्तः योगिवर्याः महंत पदवाच्याः शिवस्वरूपाः अवैद्यनाथ नामाः भारतीय संस्कृति हिंदू धर्मं संस्कृतिं च प्रतिष्ठापयामासुः। तामेव हिंदू धर्म संस्कृति प्रवाह परिपाटीं सनाथयन्तः परमश्रद्धेयाः आदित्यनाथ योगीन्द्राः
अराजकानां शिरस्तोदं जनयन्तः अहर्निशं नगरात् नगरं ग्रामात् ग्रामं इतस्ततः पर्यटन्तः सज्जनानां कायिक वाचिक मानसिक व्यथोन्मूलने पटीयांसः मुख्यमंत्री पदम अलंकुर्वन्तः जंगमवाड़ी मठ परिसरे पट्टाभिषेकावसरे सभाज्यन्ते। राष्ट्रीय राजनीतौ अयमेव योगीन्द्रः सर्वोपरि जेगीयते। उत्तर प्रदेशस्य परम सौभाग्यात् एते योगीन्द्राः पुनरपि मुख्यमंत्री पदं शोभयन्ति। नान्यः कोऽपि एतादृशं जनसमर्थनं प्राप्तवान्। जनाकांक्षा परिपूर्णे साक्षात् विक्रमादित्य एव। सुरक्षा व्यवस्थायां लक्ष्मण इव। रामजन्मभूमि समुद्धरणे हनुमान इव। वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम उद्धरणे दिवोदास इव। वापी समुद्धरणे भरत इव। दंड्य दंडने शत्रुसूदन इव। सीतापति परिचरणे सुग्रीव इव। अधर्म पुरिलंघने रामसेतु इव। जन चिकित्सा कर्मणि धन्वंतरि इव। अपराधोन्मूलने वैवस्वत इव। स्वजन पोषणे युधिष्ठिर इव। उन्मत्त दमने भीम इव। सत्य सत्य एते योगीन्द्राः। अस्माकं सौभाग्यात् उत्तर प्रदेशं स्थनाथयन्तः मुख्यमंत्रिणः योगी आदित्यनाथ महापुरुषाः संप्रति ज्ञानसिंहासन पट्टाभिषेकावसरे उपयान्तीति हर्षावहः। श्रीमतां पदार्पणेन महतीयं ज्ञानसिंहासन पीठ परंपरा क्षत्र सौभाग्यं प्रापयन्तीव ब्रह्मवर्चसं वर्धयिष्यतीति अस्माकं दृढीयान् विश्वासः। वयं स्मः जंगवाड़ी पीठाधीश्वरः सदस्याश्च। एक छोटा सा परिचय और अभिनंदन पत्र मठ के तरफ से श्रीमान योगी महाराज जी। आज के इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को मंच पर बुलाने से पहले मैं आप सबके तरफ से, क्योंकि जब से विश्वनाथ धाम का काम शुरू हुआ है तब से आज तक अगर हम लोग इसको देखेंगे, दक्षिण भारत से खासकर कर्नाटक से काफी लोग हजारों लोग प्रतिदिन काशी आ रहे हैं। और काशी आने के बाद लोगों की इच्छा रहती है कि भाई हम अयोध्या भी देखेंगे, क्योंकि अयोध्या में मंदिर का निर्माण ऑलरेडी शुरू हुआ है, उसको देखने की इच्छा लोगों को रहता है। हजारों लोग प्रतिदिन काशी से अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं। जब अयोध्या की बात मैं करता हूँ, इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ जब मैं बात कर रहा था, आप लोगों के समझ में रखा, अयोध्या में जितना भी डेवलपमेंट्स आज हुआ है, पिछले लगभग 400-500 साल तक जो भी वो मंदिर दूसरे ढंग से था, तब से लेकर आज तक उसका विमोचन तक और उसके शिलान्यास तक गोरक्षनाथ पीठ का अत्यंत मतलब योगदान, महत्वपूर्ण योगदान। उसमें जब आंदोलन शुरू हुआ था तब उसी आंदोलन की शुरुआत योगी जी महाराज से हुआ था। उस समय केवल 26 साल की आयु में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे गोरखपुर को प्रतिनिधित्व करते हुए, तो ये सब आप जानते हैं। अभी मैं उनको मंच में यहाँ आने से पहले मठ के तरफ से एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हजारों लोग जो कर्नाटक के लोग जो अयोध्या जाएंगे, उनको जैसे जंगमवाड़ी मठ में यहाँ कम से कम 2-3 हजार लोगों का यहाँ रुकने का व्यवस्था है, इसी तरह की व्यवस्था जंगमवाड़ी मठ अयोध्या में भी करना चाहता है। उसके लिए अगर जमीन जंगमवाड़ी मठ को कुछ दिया जाए तो इसी तरह की व्यवस्था मठ के तरफ से अयोध्या में भी होगा, वो हजारों हजारों यात्रियों को भक्तों को उसका बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ इस वीरशैव विश्व वीरशैव सम्मेलन के जो विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा, आप अपने विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन के
एकदम स्टैंड नहीं लगा तुम हिल रहे उसी में। भैया बैठ जाइए बैठ जाइए, सब लोग बैठिए तब फिर सर प्लीज बैठ। सुप्रसिद्ध वीर सैव मठ जंगम बाड़ी के आगे में जाएगा पट्टाभिषेक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित काशी जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी, श्री सेनम जगत गुरु डॉक्टर चन्ना सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी, उज्जैन जगत गुरु सिद्धलिंगा शिवाचार्य महास्वामी जी, और जिनका यहाँ पर महाभिषेक यहाँ पट्टाभिषेक हुआ है डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी, सोलापुर महाराष्ट्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जय सिद्धेश्वर स्वामी जी, श्री सिद्धप्पा शिवाचार्य वन्नाली जी, श्री विनोद राव पाठक जी, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित कर्नाटक और महाराष्ट्र से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय विधायकगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, स्टैंप ऑन रजिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश सरकार में आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर अवधेश सिंह जी, श्री सुशील सिंह जी, और देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर उपस्थित इस पट्टाभिषेक कार्यक्रम में उपस्थित वीर सैव परंपरा से जुड़े हुए सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर बाबा कैल काल भैरव के द्वारा रक्षित और माँ अन्नपूर्णा की कृपा जिन पर सदैव बरसती है, ऐसे काशी के इस पवित्र कार्यक्रम में आज यहाँ पर जंगम बाड़ी मठ के इस सुप्रसिद्ध वीर सैव मठ की इस परंपरा में पट्टाभिषेक का एक कार्यक्रम में मुझे आप सबके साथ सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी का पट्टाभिषेक के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना भी व्यक्त करता हूँ। हम सब जानते हैं अभी विगत 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे यहाँ पर गुरुकुल के शताब्दी समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 100 वर्षों की एक लंबी यात्रा यहाँ की गुरुकुल की परंपरा ने अपनी पूरी करके एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन इस अवसर पर किया था, और उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इस जंगम बाड़ी मठ में आकर के यहाँ की परंपरा के प्रति अपना आदर और अपना सम्मान व्यक्त किया था। आज हम सब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से ही उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के प्रतिनिधि बन करके आप सब के प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। भाइयों बहनों, हम सब ये सच है धर्म के अनुयायी है, और उससे भी बढ़कर के भारत के अनुयायी है। हम सबका एक ही संकल्प है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे,
और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोक कल्याण के इस बृहद अभियान के साथ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब तो महाभारत के अर्जुन की तरह एक निमित्त मात्र है। पूरा मार्गदर्शन, पूरा नेतृत्व, पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का प्राप्त हो रहा है और यही कारण है कि पूरा देश आज एक नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई नवीन योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जब कोई राष्ट्र सशक्त होता है तो धर्म भी सशक्त होता है। हर पंथ हर संप्रदाय का सम्मान बढ़ता है। जब राष्ट्र की इकाई कमजोर होती है तो प्रत्येक पंथ संप्रदाय और धर्म के सामने भी अपने अस्तित्व का संकट आ खड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत मजबूती के साथ दुनिया के सामने एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक भारत, समर्थ भारत और सशक्त भारत के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भारत सशक्त भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अभियान के साथ स्वयं भी जुड़ना होगा। मत पंथ संप्रदाय या मजहब, यह हम सब की अपनी व्यक्तिगत भावना भी है और इसका आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पूरे देश के अंदर इस भाव का सम्मान वर्तमान में हो रहा है। हर एक को सुरक्षा, हर एक को सम्मान, हर एक की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, ये सभी कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक नया उत्साह है लोगों के मन में। आपने देखा होगा अभी 21 जून को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस के रूप में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। योग की परंपरा भारत की ऋषि परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रसाद है, लेकिन वैश्विक मंच पर योग को इस रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर योग को मान्यता दी है और 21 जून की तिथि को पूरी दुनिया विश्व के साथ झूमती हुई दिखाई देकर के भारत की इस परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है, भारत की ऋषि परंपरा के साथ सम्मान का भाव व्यक्त करता है। ऐसे ही प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, प्रयागराज कुंभ को भी यूनेस्को ने विश्व की मानवता की एक अमूल्य धरोहर के रूप में उसे मान्यता दी थी। यह भी भारत की परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था। वैश्विक मंच पर जब भी भारत की परंपरा को सम्मान का भाव प्राप्त होता है तो यह केवल एक परंपरा को नहीं बल्कि भारत की 135 करोड़ जनता का इससे गौरव बढ़ता है, उसका सम्मान बढ़ता है। और वैश्विक मंच पर जब वह कहीं जाता है तो उसके सम्मान में अभिवृद्धि होती है। और आज भारत का नेतृत्व उसी यशस्वी दिशा में पूरे भारत को ले जाने का कार्य कर रहा है। अलग अलग पंथ और संप्रदाय भारत के अंदर है, लेकिन ये पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य एक ही है, सर्वे संतो निरामया का। यही एक भाव है जो हम सबको हिंदवा सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत के भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ने का कार्य करता है। और जंगम बाड़ी मठ तो विगत कई सौ वर्षों से इस परंपरा को बड़ी मजबूती के साथ देश और दुनिया के अंदर ले जाने का कार्य कर रहा है। मैं कर्नाटक में, मुझे कुछ वर्ष पहले जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। अनेक कार्यक्रम मेरे लगे हुए थे, कार्यक्रम मेरे राजनीतिक होते थे, लेकिन जब मुझे रुकना होता था तो वीर सब मठों में ही मुझे वहां पर रुकने का अवसर भी प्राप्त होता था। मैं वहीं रुकता था, वहीं पर रहता था।
और एक आत्मीयता हमारी तब से बढ़ गई और बढ़ गई। किसी भी मठ ने यह नहीं कहा मुझे कि मैं यहां क्यों आ रहा हूं, बड़े स्वागत के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ उन लोगों ने वहां पर मेरे साथ पूरे अभियान के साथ जुड़ करके उस पूरे अभियान के साथ वे जुड़े थे। और इसीलिए जब शताब्दी महोत्सव गुरुकुल का यहाँ पर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, उससे पहले भी मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चौथी बार इस गंगमबाड़ी मठ में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यह भी एक बहुत अच्छे अवसर पर, किसी भी मठ की परंपरा में पट्टाभिषेक का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपने ज्ञान की परंपरा के साथ साथ वहां की पूरी व्यवस्था का उत्तराधिकार सौंपने की दिशा में अग्रसर होती है। यानी हम वैसे भी वीर शैव मठ की परंपरा में जो पांच प्रमुख मठ हैं, उन पांच प्रमुख मठों का अपना अपना महत्व है और उन पांच मठों में से काशी का मठ तो ज्ञान की परंपरा के साथ ही जुड़ा हुआ है, ज्ञान की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा इस मठ से जुड़े हुए हमारे जितने भी आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, कितने मजबूती के साथ भारत और भारतीयता के प्रति वे पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। धर्म के प्रचार के साथ साथ वीर शैव मठ की दार्शनिक परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के साथ ही भारत और भारतीयता और धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं और आज के इस अवसर पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को, जिनका पटाभिषेक का यहां पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस अवसर पर उन्हें अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम बहुत अच्छे रूप में संवर चुका है और एक नए रूप में दुनिया के सामने आया है कि हमारे धर्म स्थलों की स्थिति क्या होनी चाहिए। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है, अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहूंगा, हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है देश के हर पंथ और संप्रदाय के अनुयायियों के लिए वहां पर अपना धर्मशाला स्थापित करने के लिए, मठ की स्थापना करने के लिए अलग से भूमि के आवंटन की व्यवस्था वहां पर प्रारंभ हो रही है और बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर एक बार फिर से, आप लोग कर्नाटक से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और देश के अलग अलग कोने से बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम काशी में पधारे हैं, मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को, इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जंगमबाड़ी के इस वीर शैव मठ की आदर्श परंपरा के अनुरूप वह इस मठ की परंपरा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। पूरे काशी वासियों का और उत्तर प्रदेश वासियों का उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।